ही गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका, और आज हम लोग यहाँ पे इंडियन पॉलिटी पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारी एम लक्ष्मीकांत की। तो इसमें हमारी सेंट्रल स्टेट रिलेशन चल रही है। तो अब आप लोग खुश हो जाइए, क्योंकि फाइनली आज ये चैप्टर कंप्लीट होने वाली है। फिर नेक्स्ट मैं पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ पढ़ाऊँगी। ओके, इलेवंथ और ट्वेल्थ इसकी रीड, तो आज मैं इसे कंप्लीट कर दूँगी। लास्ट लेसन हमारी सरकारी या कमीशन्स के बारे में मैं आपको पूरी रिकमेंडेशन दी थी, तो अगर आप लोग वो लेसन नहीं देखे हो तो ज़रूर देख लीजिए। आज हम लोग पूंछी कमीशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कमीशन है, आपको हर एक साल या चाहे तो स्टेट पीसीएस में, चाहे तो आपको यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे, चाहे वो प्रीलिम्स की हो चाहे वो आपकी मेंस की हो। ओके, तो ये दोनों कमीशन तो प्लीज़ मत छोड़िए, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कंपलसरी हो जाते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो बाकी आपको प्रीवियस लेसन देखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्ले लिस्ट में आकर आप लोग स्टार्टिंग से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की लेसन। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पूंछी कमीशन के बारे में। तो सेकंड कमीशन जो कि यहाँ पे सेंट्रल स्टेट रिलेशंस के बारे में यहाँ पे बात करी थी, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रैल 2007 में सेटअप किया गया था, जो कि आपके मदन मोहन पूंछी जी के चेयरमैनशिप के अंदर में थी, जो कि हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं। ये इनको यहाँ पे ज़रूरत था कि काफ़ी चीज़ें ये देख रहे थे, यानी कि जो भी सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बीच में बहुत ज़्यादा इश्यूज था उसको वो यहाँ पे चेंज करना चाह रहे थे और कुछ चीज़ों से रिप्लेस करना चाह रहे थे। साथ ही आप लोग देखोगे जो सरकारी या कमीशन थी वो भी यहाँ पे कुछ इश्यूज के बारे में ही रिकमेंडेशन लेकर आई थी। तो कुछ टर्म्स देख रहे थे रेफरेंस जो कि इस कमीशन के बारे में। तो ये जो कमीशन आपके पूंजी कमीशन, इनको यहाँ पे ज़रूरत था कि कुछ एग्जामिन करे, कुछ रिव्यू करे कि किस तरीके से आज के डेट में कुछ अरेंजमेंट चल रहा है जो यूनियन और स्टेट के बीच में एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। तो हेल्दी प्रेसिडेंट यहाँ पर फॉलोड किए जा रहे थे, बहुत सारे प्रोनाउंसमेंट भी थे कोर्ट्स के, जो कि पावर फंक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक स्फीयर में देखा जा रहा था, जिसमें लेजिस्लेटिव रिलेशन भी हम लोग खुद देख चुके, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है, किस तरीके से गवर्नर का रोल होना चाहिए, इमरजेंसी प्रोविजंस में क्या क्या यहाँ पे चीज़ें रखनी चाहिए, फिनेंशियल रिलेशन कैसी होनी चाहिए, इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में हमारे रिसोर्सेज को किस तरीके से शेयर करना है, जिसमें कि इंटर स्टेट रिवर वाटर है, यहाँ पर कुछ चेंजेस को रिकमेंड किया गया है। साथ ही कुछ और भी मेजर्स है जो कि यहाँ पर आपको ज़रूरत है कि एक प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ को लेकर यहाँ पे चेंज किया जाएगा। साथ ही अगर हम लोग देखें तो किस तरीके से एग्जिस्टिंग जो अरेंजमेंट है इसकी वर्किंग को लेकर, जो कि स्टेट और यूनियन के बीच में, यहाँ पे भी कुछ रिकमेंडेशन देने की बात की गई थी कि जो भी चीज़ों की ज़रूरत है उसको यहाँ पे चेंज किया जाए। जो कमीशन है उनको यहाँ पे ज़रूरत है कि अपने व्यूज़ जो कि यहाँ पे सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए है उनको यहाँ पे लिया जाए, पर्टिकुलरली वो भी लास्ट टू डिकेड्स में। और यहाँ पे ज़रूरत है कि हम लोग जो यहाँ पे स्कीम्स है, फ्रेमवर्क है कॉन्स्टिट्यूशंस का, उसको देखना है। कुछ यहाँ पे रिकमेंडेशंस भी देने की ज़रूरत थी कि किस तरीके से अभी बढ़ती हुई जो चैलेंज है, यानी कि गुड गवर्नेंस का, जिसके थ्रू जो लोगों की वेलफेयर है उसको प्रमोट करना है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी जो हमारी कंट्री है उसको और स्ट्रेंथन करना है, तो इन सब के ऊपर भी कुछ रिकमेंडेशंस देना था। साथ ही यहाँ पे आपके कुछ रिकमेंडेशंस देनी थी जो भी कॉन्स्टिट्यूशंस में यहाँ पे पर्टिकुलर चीज़ों पे रखी गई है कि यहाँ पे जो आपके सेंटर, साथ ही साथ जो स्टेट की यहाँ पे आपकी जुरिस्डिक्शन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रोल है, वो भी यहाँ पे मेजर और प्रोलॉन्ग जो आउटब्रेक्स हो रहा है कम्युनल वायलेंस का, कास्ट वायलेंस का, दूसरे सोशल कॉन्फ्लिक्ट का, तो उसमें कैसे देखना होगा, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी और जुरिस्डिक्शंस आपकी सेंटर साथ ही साथ स्टेट की है कि यहाँ पे किस तरीके से कुछ मेगा प्रोजेक्ट है उसको यहाँ पे प्लान किया जाएगा, इंप्लीमेंट किया जाएगा, जैसे कि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर देखते हैं जो कि 15 से 20 साल तक यहाँ पे चल जाता है इस तरीके के प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। साथ ही यहाँ पे कुछ रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी और जुरिस्डिक्शंस की बात करी जा रही थी जो कि सेंटर और स्टेट के बीच में थी, कि वो कुछ इफेक्टिव डिवोल्यूशंस को, यानी कि पावर को, ऑटोनॉमी को किस तरीके से यहाँ पे देना है जो भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, लोकल बॉडीज़ है, जैसे कि इसमें आपके ऑटोनोमस बॉडीज़ भी इंक्लूड है जो कि हमारे 6th स्कीड्यूल के अंदर है, जो कि स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में उनको किस तरीके से यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन करनी है, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर भी रिकमेंडेशन देनी थी। साथ ही यहाँ पे कुछ रिकमेंडेशन देना था कि किस तरीके से इंडिपेंडेंट प्लानिंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल का बजट कैसे रखना है, साथ ही यहाँ पे सेंट्रल असिस्टेंस किस तरीके से बहुत सारे जो आपके स्टेट की परफॉर्मेंस है उसके ऊपर देना है, साथ ही यहाँ पे आपका जो है किस तरीके से सेंटर की यहाँ पे रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कुछ अप्रोचेस को वो यहाँ पे अडॉप्ट करे, कुछ पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करे जो कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिले जो भी बैकवर्ड स्टेट्स हैं। साथ ही यहाँ पे कुछ रिकमेंडेशंस जो दिए जा रहे थे आपके 8th और 12th फाइनेंस कमीशन के द्वारा, तो उसका क्या यहाँ पे इम्पैक्ट हुआ था जो भी सेंटर और स्टेट के बीच में फिजिकल रिलेशंस थी, स्पेशली जो ग्रेटर डिपेंडेंस हम लोग का स्टेट को देखने को मिलता है कि यहाँ पे सेंटर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं जो भी फंड वहाँ से आपका निकल कर स्टेट में आती है, तो इसके बारे में भी देखना था। साथ ही यहाँ पे ज़रूरत है कि जो सेपरेट टैक्सेस है
यानी कि सेंटर यहाँ पे टैक्स लगाती है, स्टेट यहाँ पे कलेक्ट करती है, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर भी जो आपका वैल्यू एडेड टैक्स का जो रिजिम था उसमें भी देखना था। साथ ही यहाँ पे ज़रूरत थी कि एक इंटर स्टेट जो ट्रेड है उसको भी यहाँ पे देखना है, साथ ही एक यूनिफाइड और इंटीग्रेटेड डोमेस्टिक मार्केट को यहाँ पे इस्टेब्लिश करनी है। और जो भी यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की यहाँ पे दिया गया था कि जो रेलिवेंट सरकारिया कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी उसको यहाँ पे अडॉप्ट करना है। साथ ही यहाँ पे ज़रूरत है कि हम लोग एक सेंट्रल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी इम्पावर्ड करें, उसको सेटअप करें, जिसके थ्रू स्यू मोटो इन्वेस्टिगेशन भी क्राइम का किया जा सके। साथ ही यहाँ पे कुछ सपोर्ट लेजिस्लेशन है जो कि आर्टिकल 355 के तहत थी कि यहाँ पे स्यू मोटो जो डिप्लॉयमेंट होता है सेंट्रल फोर्सेज का स्टेट में उसको भी किस तरीके से देखा जाए। तो इतनी सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थी जिसके ऊपर जो है पुंची कमीशन को यहाँ पे रिकमेंडेशन देनी थी, एनालाइज करनी थी, एग्जामिन करनी थी, रिव्यू करनी थी। ओके, तो ये आप इनका बेसिक एरिया था जो कि इनको देखना था। इन्हीं के बेसिस पे इन्होंने काफ़ी कुछ रिकमेंडेशन दे रखी है जिसको कि अब ये डिपेंड करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट इसको माने या ना माने। तो जो ये पुंची कमीशन है तो इस कमीशन की बात करें तो ये अपनी रिपोर्ट को सबमिट करी थी वो भी गवर्नमेंट के पास अप्रैल 2010 में। उसके बाद यहाँ पे 1456 पेज की रिपोर्ट को यहाँ पे फाइनलाइज़ किया गया वो भी 7 वॉल्यूम्स में। और कमीशन से यहाँ पे एक्सटेंसिव हेल्प ली थी वो भी सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट से, नेशनल कमीशन जो कि यहाँ पे वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू करी थी इनकी रिपोर्ट से, सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन रिपोर्ट से। अगर हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ़ एरिया देखें तो कमीशन की जो रिपोर्ट है वो यहाँ पे सरकारिया कमीशन रिकमेंडेशन के रिपोर्ट से डिफरेंट थी। ओके, तो काफ़ी चीज़ों को यहाँ पे आपका एग्जामिन किया गया, देखा गया, काफ़ी चीज़ों को यहाँ पे समझा गया। तो इसके ऊपर जो है यहाँ पे रिकमेंडेशंस दिया गया वो भी टोटल 300 रिकमेंडेशंस जो है इस कमीशन के द्वारा निकाल कर लेकर आया गया। ओके, तो इसमें से भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 25-30 जो रिकमेंडेशंस है जो कि आपको पता होना चाहिए, आप लोग इसको आंसर राइटिंग में भी यूज़ करो या फिर इससे रिलेटेड प्रीलिम्स में तो आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। सबसे पहला रिकमेंडेशंस यहाँ पर दिया गया कि एक इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए सारे कानून का जो कि यहाँ पे लिस्ट 3rd सब्जेक्ट में है, और ये ज़रूरी है कि कुछ ब्रॉड एग्रीमेंट भी होनी चाहिए जो कि यूनियन और स्टेट के बीच में हो। जब भी यहाँ पे लेजिस्लेशन को इंट्रोड्यूस किया जाए पार्लियामेंट में कोई भी कंकरेंट लिस्ट के मैटर में, यानी कि 3rd लिस्ट है, 3 लिस्ट टोटल होती है, फर्स्ट लिस्ट, सेकेंड लिस्ट और 3rd लिस्ट। फर्स्ट लिस्ट की बात करें तो ये यूनियन लिस्ट है जिसमें कि आपके पार्लियामेंट को हक है कि वो यहाँ पे कानून बना सकते हैं। सेकेंड लिस्ट है आपके स्टेट लिस्ट जिसमें कि स्टेट लेजिस्लेचर यहाँ पे कानून बना सकते हैं। थर्ड है यहाँ पे कंकरेंट लिस्ट जिसमें कि आपका स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर यहाँ पे कानून बनाएंगे। तो यहाँ पे यही कहा गया कि अगर कंकरेंट लिस्ट में यहाँ पे किसी भी तरीके का कानून बनाना है, चाहे वो पार्लियामेंट को बनाना है चाहे स्टेट लेजिस्लेचर को बनाना है, तो स्टेट लेजिस्लेचर तो बना सकते हैं लेकिन अगर पार्लियामेंट को बनाना है तो वो स्टेट लेजिस्लेचर से यहाँ पर कंसल्ट करेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। सेकेंड है कि जो यूनियन है उनको यहाँ पे एक्सट्रीमली रिस्ट्रेंट करना चाहिए कि पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी को अगर कोई भी मैटर यहाँ पे सेंटर को स्टेट को असाइन किया जाता है। ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए स्टेट के पास कि वो इन सारे रिलेशंस में, इन सारे सब्जेक्ट जो भी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट है उनमें वो यहाँ पे अपना लॉ बना सके। ट्रांसफॉर्म्ड आइटम्स भी होना चाहिए जो कि कंकरेंट लिस्ट यहाँ पे की है कि किस तरीके से सेंटर और स्टेट के रिलेशन को यहाँ पे लेकर चल सकेगी, क्योंकि यहाँ पे दोनों कंकरेंट लिस्ट में आपको देखने को मिलेगा कि सेंटर भी यहाँ पे स्टेट बना लॉ बना सकती है, सेंटर भी स्टेट भी यहाँ पे लॉ बना सकती है। तो सेंटर और स्टेट के बीच में यहाँ पे हक है कि वो दोनों जो है इसमें जो भी सब्जेक्ट है उसमें ही वो कानून बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कंकरेंट लिस्ट। साथ ही थर्ड यहाँ पे कहा जा रहा है कि यूनियन को यहाँ पे जो है कुछ ऑक्यूपाई करना चाहिए कुछ सब्जेक्ट जो कि यहाँ पे कंकरेंट लिस्ट में है, और ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शंस जो हो रही है उसको भी एब्सोल्युटली यहाँ पे नेसेसरी है कि यूनिफॉर्मिटी लेकर चले, यानी कि आप लोगों को भी पता है कुछ, जैसे देख लीजिए फॉरेस्ट फॉरेस्ट है, एडुकेशन है, ये आपकी आती है किस में, तो ये आपकी आती है कंकरेंट लिस्ट में। तो एडुकेशन से भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि भारत सरकार भी यहाँ पे आपका लॉ बनाती है, राज्य सरकार भी बनाती है, फॉरेस्ट से भी दोनों बनाती है, लेकिन राज्य सरकार तो बनाती है। अगर भारत सरकार इस तरीके से कानून बना रही है तो उनको यहाँ पे स्टेट के साथ कंसल्ट करना ज़रूरी है, ओवरलैपिंग नहीं चाहिए जुरिस्डिक्शन का। समटाइम्स क्या होता है जैसे एडुकेशन है, आप लोग जैसे राजस्थान से बिलोंग कर रहे हैं तो राजस्थान की सरकार भी एडुकेशन को लेकर कोई वहाँ पे अपना स्कीम चला रही होगी, प्लानिंग चला रही होगी। वहीं अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो वो भी एडुकेशन के ऊपर जो है कोई ना कोई स्कीम लेकर आ जाते हैं। तो यहाँ पे राज्य को प्रॉब्लम हो जाता है कि वहाँ के लोगों को प्रॉब्लम हो जाता है कि वो कौन से स्कीम का बेनिफिट ले, कि वहाँ के जो राज्य सरकार लेकर आ रहे हो उनका या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो लोगों के ऊपर ये कन्फ्यूजन हो जाता है, ओवरलैपिंग हो जाती है, तो उसको यहाँ पे देखना होगा। साथ ही यहाँ पे ज़रूरत है कि जो भी ऑडिटिंग रोल है इंटर स्टेट काउंसिल का वो यहाँ पे होना चाहिए,
कोई भी मैटर जो कि यहाँ पे आपका कंकरेंट से है या फिर ओवरलैपिंग जो जुरिसडिक्शंस है तो उसको भी यहाँ पे मैनेज करके चलना चाहिए। साथ ही यहाँ पे आपका 6 मंथ का पीरियड हो जो भी यहाँ पे आर्टिकल 201 में आपका रखा गया स्टेट लेजिस्लेचर के लिए कि वो यहाँ पे एक्ट बनाए, और जो भी बिल यहाँ पे प्रेसिडेंट के द्वारा रिटर्न किया जाता है तो उसको यहाँ पे एप्लीकेबल होना चाहिए प्रेसिडेंट के लिए, जो कि वो डिसाइड कर सके कि उनको इस तरीके से जो स्टेट के द्वारा यहाँ पे बिल रिजर्व किया जा रहा है तो उस तरीके के टॉपिक पे उनको कानून बनानी है कि नहीं बनानी है। तो यहाँ पे जो आपका बिल रिज़र्व किया जाता है प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशंस के लिए आपका कंसिड्रेशंस के लिए, तो ये प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैक्सिमम जो प्रेसिडेंट यहाँ पे आपका जैसे स्टेट लेजिस्लेचर क्या करती है कि कानून बनाती है तो उसके लिए बिल प्रस्तुत करती है, तो यहाँ पे आपका कुछ बिल जो है प्रेसिडेंट की रीजंस प्रेसिडेंट का कंसर्न के लिए उसको कंजर्व किया जाता है, तो उनके कंसीडर करने के लिए उनको रखा जाता है। तो अगर प्रेसिडेंट यहाँ पे उस तरीके के बिल को ले लिए है वो या चाहे वो उसको विथहोल्ड कर दें या फिर उसको पास कर दें, तो इसके लिए मैक्सिमम 6 मंथ का पीरियड होना चाहिए कि यहाँ पे प्रेसिडेंट उस बिल को लेकर क्या करना चाहते हैं। 6th यहाँ पे पॉइंट है कि पार्लियामेंट को यहाँ पे एक कानून बनाना चाहिए उन सारे सब्जेक्ट में जो कि यहाँ पे एंट्री 14 है आपका लिस्ट 1 में। साथ ही साथ यहाँ पे आपका कुछ प्रोसीजर भी इन्वॉल्व होना चाहिए। जो पावर की यहाँ पे एक्सरसाइज की जा रही है वो यहाँ पे एब्सोल्यूट नहीं हो सकता, ना ही कुछ अनचार्टर्ड होना चाहिए कोई भी तरीके का फेडरल स्ट्रक्चर्स जो कि लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूटिव पावर में, तो ये आपका होना चाहिए। 7th की जो भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है उनका जो इम्प्लीकेशन है स्टेट फाइनेंस के ऊपर वो यहाँ पे कुछ ट्रीटी और एग्रीमेंट से ही निकल कर आना चाहिए जो कि एक परमानेंट टर्म होनी चाहिए फिनेंस कमीशन के रेफरेंस के साथ। साथ ही साथ यहाँ पे 8th पॉइंट कहा गया है कि अगर गवर्नर को सेलेक्ट करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पे जो है कुछ स्ट्रिक्ट गाइडलाइन फॉलो करना होगा और ये सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशन के ही ऊपर बेसिस है, यानी कि गवर्नर जो आज के डेट में सेलेक्ट किए जाते हैं हर एक स्टेट में तो वो यहाँ पे ही शुड बी एमिनेंट इन सम वॉक ऑफ लाइफ। साथ ही शुड बी अ पर्सन जो कि उस स्टेट के बाहर के होना चाहिए। अगर राजस्थान के यहाँ पे गवर्नर बनाने हैं तो राजस्थान के लोगों को गवर्नर नहीं बनाने, वहाँ के कोई बाहर के लोगों को बनानी है। साथ ही यहाँ पे एक डिटैच फिगर होनी चाहिए, कोई भी ज़्यादा इंटीमेट नहीं हो, यानी कि लोकल पॉलिटिक्स से उस स्टेट के लोकल पॉलिटिक्स से वो ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो, ये देखना होगा। साथ ही जो एक तरीके का पर्सन है जो कि एक ग्रेट पार्ट हो उनका अपने पॉलिटिक्स में जनरली और पर्टिकुलरली रिसेंट पास्ट में भी, तो इस तरीके का उनका ग्रेट इंक्लूजन्स नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का पार्टीज़ में पॉलिटिक्स में, तो उस तरीके के लोगों को यहाँ पर आप जो है उस स्टेट का गवर्नर बनाना चाहिए। साथ ही 9th पॉइंट कहा गया है यहाँ पे जो गवर्नर है उनको एक फिक्स टेन्योर देना चाहिए, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि गवर्नर कब तक काम करते हैं तो प्रेसिडेंट के प्लेजर में, यानी कि गवर्नर जब तक चाहे प्रेसिडेंट जब तक चाहे गवर्नर को पोस्ट में रख सकते हैं अदरवाइज हटा सकते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। गवर्नर को भी यहाँ पर फिक्स टाइम देना चाहिए, जैसे कि आपके चीफ मिनिस्टर होते, प्राइम मिनिस्टर होते, प्रेसिडेंट होते, तो इनके पास भी 5 ईयर्स का फिक्स टेन्योर होना चाहिए। और उनकी जो रिमूवल है ना वो यहाँ पर आपकी गवर्नमेंट ऑफ सेंटर के ऊपर नहीं होना चाहिए। 10th इसमें कहा गया कि जो भी प्रोसीजर है वो यहाँ पे आपके प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के लिए, यानी कि प्रेसिडेंट को जो उनके पोस्ट से हटाने की जो बात की जाती है ये आपका जो है ना एप्लीकेबल होना चाहिए इम्पीचमेंट ऑफ गवर्नर के भी जैसा, यानी कि जो हम लोग प्रेसिडेंट को हटाने के लिए इम्पीचमेंट वर्ड यूज़ करते हैं तो वैसे ही गवर्नर को हटाने के लिए भी इम्पीचमेंट वर्ड यूज़ होना चाहिए। आर्टिकल 163 की बात करें तो यहाँ पर आपको गवर्नर को एक जनरल डिस्क्रिशनरी पावर नहीं देता है कि वो यहाँ पर कुछ भी एक्ट करे, किसके अगेंस्ट में, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट में। इनफैक्ट जो एरिया है कि वो यहाँ पे डिस्क्रिशन के जो पावर है उसको एक्सरसाइज करें तो वो यहाँ पे लिमिटेड है, इवन लिमिटेड एरिया में भी है, तो उसकी उनकी जो चॉइस ऑफ एक्शन है ना उसको यहाँ पे आर्बिट्री नहीं करना चाहिए, फैंसीफुल नहीं करना चाहिए। इट मस्ट बी चॉइस डिक्टेटेड बाई अ रीज़न, एक्टिवेटेड बाई गुड फेथ एंड टेम्पर्ड बाई अ कॉशन। तो आर्टिकल 163 जो है वो यहाँ पे गवर्नर को कोई भी तरीके की डिस्क्रिशनरी पावर नहीं देती कि गवर्नर यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस के बिना कोई काम नहीं कर सकती। साथ ही कुछ जो एरिया है जहाँ पे लिमिटेड है, लिमिटेड एरिया है, तो उनकी चॉइस ऑफ एक्शन को यहाँ पे रोकना नहीं चाहिए, उनका चॉइस होना चाहिए कि वो कहाँ तक काम करना चाहते हैं, क्या काम करना चाहते हैं, गुड फिट होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर उनकी एक्शन को भी देखना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। 12th में कहा जा रहा है कि अगर हम लोग बिल देखें जो भी यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली किसी भी स्टेट के द्वारा पास किया जाता है तो गवर्नर को यहाँ पर डिसीजन लेना है वो भी 6 मंथ के अंदर कि वो यहाँ पे इस तरीके से एसेंट देना चाहते हैं कि नहीं, या फिर इसको रिजर्व करना चाहते हैं पार्लियामेंट की यहाँ पर कंसिड्रेशन लेने के लिए, तो इसमें भी मैक्सिमम जो है वो 6 मंथ का टाइम देना चाहिए। 13th यहाँ पर कहा गया कि गवर्नर के रोल जो कि यहाँ पर चीफ मिनिस्टर को वो कैसे अपॉइंट करते हैं वो भी हंग असेंबली के केस में, तो ये भी नेसेसरी है कि यहाँ पे कुछ क्लियर गाइडेंस होना चाहिए जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन के द्वारा उनको फॉलो करना है, तो ये सारी गाइडेंस है। जैसे कि पहला है
कि यहाँ पे जो भी पार्ट है, कॉम्बिनेशन है पार्टीज़ का, कोई भी जो भी यहाँ पे पार्टी है या फिर कॉम्बिनेशन है पार्टी की जो कि यहाँ पे कमांड कर सकती है और उनको लेजिस्लेटिव असेंबली में सपोर्ट दिया गया है, तो उनको यहाँ पे कहना कहना चाहिए कि आप लोग गवर्नमेंट बनाइए। हंग असेंबली क्या होता है? हंग असेंबली कहने का मतलब है कि किसी भी सरकार, अभी तक कोई भी पार्टी जो है चीफ मिनिस्टर नहीं बना पाई है, कोई भी पार्टी के पास इतना सीट नहीं है कि वो चीफ मिनिस्टर बना सके। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी पार्टी, अगर यहाँ पे जिस पार्टी को भी लेजिस्लेटिव असेंबली में सपोर्ट किया जा रहा है, तो उस पार्टी को कहना चाहिए कि आप लोग गवर्नमेंट बना सकते हैं। सेकेंड यहाँ पे ये है कि अगर यहाँ पे प्री पोल अलायंस होता है या कोएलिशंस होता है, तो इसको एज ए वन पार्टी ट्रीट करना है, यानी कि आप लोगों को पता है कि दो तीन छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टी मिलकर जो है अलायंस करके वो अपनी सरकार बनानी चाहती है, तो इसको हम लोग वन पॉलिटिकल पार्टी कहेंगे। और इस तरीके का अगर कोएलिशंस होता है, तो उसको मेजोरिटी लेना होगा लीडर उस तरीके के कोएलिशन से, जिनको कि हम लोग यहाँ पे गवर्नर जो है कह सकती है कि आप लोग गवर्नमेंट फॉर्म करें। यानी कि दो तीन अगर छोटी छोटी पार्टी है और वो चाहती है कि कोएलिशन में वो अपनी सरकार बनाए, तो पहले उनको मेजोरिटी प्रूफ करनी होगी लेजिस्लेटिव असेंबली में। अगर वो लोग मेजोरिटी प्रूफ कर देते, तो गवर्नर उन पार्टियों को यहाँ पे कह सकते हैं कि आप लोग यहाँ पे सरकार बनाइए। थर्ड है कि इन केस कोई भी पार्टी और प्री पोल कोएलिशन जो है उनके पास क्लियर मेजोरिटी नहीं है, तो गवर्नर को यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहिए चीफ मिनिस्टर, वो भी कुछ प्रेफरेंस में। जैसे कि पहला है कि ग्रुप ऑफ पार्टीज़ जिनके पास यहाँ पे प्री पोल अलायंस है, तो वो लार्जेस्ट नंबर में है। सेकेंड है कि जो लार्जेस्ट सिंगल पार्टी है जो कि यहाँ पे क्लेम करी कि वो गवर्नमेंट बना सके और उनका सपोर्ट भी है, तो उनको बनाना चाहिए। थर्ड है कि एक पोस्ट इलेक्टोरल कोएलिशन है जिसमें कि सारे पार्टनर जो है गवर्नमेंट को ज्वाइन कर रहे हैं। फोर्थ है कि एक पोस्ट इलेक्टोरल अलायंस है जिसमें कि कुछ पार्टीज़ जो है गवर्नमेंट को ज्वाइन करी और रिमेनिंग जैसे कि इंडिपेंडेंट सपोर्ट जो है वो यहाँ पे गवर्नमेंट को आउटसाइड से दिया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू जो है प्रेफरेंसेस है जिसके थ्रू जो है गवर्नर जो है यहाँ पे चीफ मिनिस्टर को अपना अपॉइंट कर सकती है। ओके, तो इस तरीके की बात कहा जा रहा है। 14 में कहा जा रहा है कि अगर कोई भी क्वेश्चंस निकलता है चीफ मिनिस्टर को डिसमिस करने के लिए, तो गवर्नमेंट को यहाँ पे इंसिस्ट करना होगा चीफ मिनिस्टर को कि वो अपनी मेजोरिटी को प्रूव करे, वो भी हाउस के फ्लोर में, तो उनको एक टाइम लिमिट देना चाहिए। 15 है कि गवर्नर को यहाँ पे कुछ राइट देना चाहिए सेंक्शन लगाने के लिए अगर स्टेट मिनिस्टर में कुछ प्रोसिक्यूशंस हो रहा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट में, अगर कैबिनेट डिसीजंस जो है यहाँ पे अपीयर हो रहा है कि गवर्नर को यहाँ पे मोटिवेटेड किया जा रहा है बायस फॉर्म में, तो यहाँ पे जो है गवर्नर को कुछ राइट ऑफ सेक्शंस भी देना चाहिए। उसके बाद 16 है कि गवर्नर की जो कन्वेंशन है कि वो यहाँ पे कोई भी यूनिवर्सिटी होते है तो उसके चांसलर कौन होते हैं, तो वहाँ के गवर्नर होते हैं, एंड होल्डिंग सम अदर जो स्टैट्यूटरी पोजीशंस भी उनको दिया जाता है, तो उनके साथ ही होना चाहिए। उनके जो रोल है वो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस में जो भी उनके जो रोल दिए हुए हैं ना, वही बस कन्फाइन होना चाहिए। साथ ही अगर 17 की बात करें, तो जब भी एक्सटर्नल एग्रेशन हो, इंटरनल डिस्टर्बेंस हो, तो इससे क्या होता है कि स्टेट की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरी तरीके से पैरालाइज हो जाती है। एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी ऑफ द स्टेट है ना, वो पूरी तरीके से ब्रेक डाउन हो जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से स्टेट की जो भी लॉ एंड ऑर्डर है वो मेंटेन नहीं हो पाती है, तो और सारे जितने भी अल्टरनेटेड कोर्सेज है वो यहाँ पे यूनियन के लिए, यूनियन के पास आपका अवेलेबल होता है कि वो इस तरीके से सारी चीज़ों को डिस्चार्ज करे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले। तो ये आपका आर्टिकल 355 के अंदर होना चाहिए, जो कि यहाँ पे जो भी सिचुएशन से अगर एक्सरसाइज ऑफ पावर है जो कि एग्जॉस्ट हो जाती है, तो वो यहाँ पे आपका 356 के तहत है जो कि लिमिटेड स्ट्रिक्ट होना चाहिए। यानी कि अगर फेलियर हो जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशनरी मशीनरी, तो यहाँ पे स्टेट को जो है ना पूरी तरीके से सेंटर के अधीन आना पड़ता है और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पूरी तरीके से कंट्रोल ले लेती है, तो वो होना चाहिए। साथ ही 18 पॉइंट पे बताया जा रहा है कि कोई भी तरीके का अगर क्वेश्चन होता है आर्टिकल 356 को हटाने के लिए, अगर यहाँ पे कोई भी केस हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी अगर देख ले कि फेलियर हो जाए स्टेट में, सुटेबल अमेंडमेंट का यहाँ पे ज़रूरत होगा कि किस तरीके से इस गाइडलाइन को यहाँ पे अमेंडमेंट लाकर इस तरीके की चीज़ों को यहाँ पे आपको फिर से रिफॉर्म लाना है। जो यहाँ पे लैंडमार्क जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का SR बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, तो इससे क्या होगा कि इससे जो आपका पॉसिबल जो मिसगिविंग है ना इस रिगार्ड में, उसको रिमूव किया जाएगा जो भी स्टेट के पार्ट में, या फिर जो सेंटर स्टेट के रिलेशन है उसको यहाँ पे और स्मूथ किया जाएगा। यानी कि आर्टिकल 356 के तहत जो आपका प्रेसिडेंट रूल लगता है, तो प्रेसिडेंट रूल को हटाने के लिए जो है यहाँ पे जो भी आपका प्रोविजन दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसको यहाँ पे अमेंडमेंट करना है। और प्रेसिडेंट रूल जो लगाया जाता है वो यहाँ पे इस केस के अकॉर्डिंग ही, इस तरीके का लैंडमार्क जजमेंट आया था, तो उसको भी यहाँ पे क्वेश्चन जो किया जाता है ना, तो उसको यहाँ पे अमेंडमेंट करने का भी प्रोविजंस होना चाहिए। साथ ही यहाँ पे आपका नेक्स्ट है कि स्ट्रिक्ट जो पैरामीटर है
जो अभी सेट किया गया है कि किस तरीके से इमरजेंसी को हटाना है आर्टिकल 352 और आर्टिकल 356 के तहत, तो ये सिर्फ आपका एक मेजर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट होना चाहिए। यानी कि इमरजेंसी हमारे कंट्री में किसी भी स्टेट में तभी अप्लाई करना चाहिए जब वहाँ पर कोई भी और अल्टरनेटिव नहीं बचा है, जब कुछ भी ऑप्शन नहीं बचा है, तब जाके इमरजेंसी लगाना चाहिए। चाहे वो हमारे यहाँ नेशनल इमरजेंसी हो, चाहे फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, चाहे प्रेसिडेंट रूल हो। ओके, तो इसके तहत कहा गया है कि आर्टिकल 352 में आपका नेशनल इमरजेंसी लगता है, आर्टिकल 356 में आपका प्रेसिडेंट रूल लगता है। तो प्रेसिडेंट रूल के तहत क्या होता है कि स्टेट की जो पावर है वो पूरी तरीके से सेंटर के पावर के अंदर आ जाती है और स्टेट को उसी तरीके से काम करना पड़ता है जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे ऑर्डर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, वो लास्ट रिसॉर्ट का होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ भी डिस्टर्बेंस होता है तो इमरजेंसी लगा दे, वो नहीं होना चाहिए। 20 में कहा गया है कि सुटेबल अमेंडमेंट होना चाहिए आर्टिकल 263 में, जो भी ज़रूरत है यहाँ पे इंटर स्टेट काउंसिल को एक क्रेडिबल, पावरफुल और फेयर मैकेनिज्म बनाने के लिए कि किस तरीके से इंटर स्टेट और सेंटर स्टेट डिफरेंसेस को यहाँ पे मैनेज किया जा सके। 21 है कि यहाँ पे जोनल काउंसिल जो है उसको एटलीस्ट एक साल में 2 बार मीटिंग होना चाहिए और जो भी एजेंडा यहाँ पे सेट किया गया है वो स्टेट के द्वारा, तो उसको यहाँ पे डिस्कस करना ज़रूरी है। साथ ही जो भी सेक्रेटेरिएट है आपका स्टेडन इंटर स्टेट काउंसिल का, तो उसको यहाँ पे एज ए सेक्रेटेरिएट ऑफ जोनल काउंसिल की जैसा भी फंक्शन करना चाहिए। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि जो भी एम्पावर्ड कमेटी आपके फाइनेंस मिनिस्टर की जो भी स्टेट की है वो यहाँ पे सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट को प्रूव कर सकती है, वो भी इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन जो कि फिस्कल मैटर में होता है यानी कि मनी से रिलेटेड मैटर में। तो यहाँ पे ज़रूरत है कि इंस्टीट्यूशनलाइज करना इस तरीके का और भी मैटर अगर दूसरे सेक्टर में है। एक फोरम जो आपका चीफ मिनिस्टर है और यहाँ पे आपके वन चीफ मिनिस्टर के द्वारा यहाँ पे आपका चेयर किया जाता है रोटेशन के थ्रू, यानी कि इस तरीके के आपके जोनल काउंसिल में तो एक चीफ मिनिस्टर के द्वारा यहाँ पे रोटेशन के थ्रू इसको जो आपका किया जाता है मीन्स जो पावर लिया जाता है, तो पर्टिकुलरली यहाँ पे सारे पॉलिसीज़ का जो भी सेक्टर है उसमें कोऑर्डिनेट होना चाहिए, जैसे आपका एनर्जी, फूड, एजुकेशन, एनवायरनमेंट और हेल्थ हो। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज जैसे कि आपका हेल्थ, एजुकेशन, इंजीनियरिंग, जुडिशरी, इसको भी बनानी चाहिए। नेक्स्ट कहा गया कि फैक्टर्स जो भी यहाँ पे आपके सेकंड चैम्बर के फंक्शन और कंपोजिशन में है तो उसको एक रिस्पेक्टिव फोरम ऑफ स्टेट के जैसा यहाँ पे रिमूव करना चाहिए, मॉडिफाई करना चाहिए जब भी यहाँ पे अमेंडमेंट की ज़रूरत हो। इनफैक्ट राज्यसभा भी यहाँ पे एक इमेंस पोटेंशियल यहाँ पे ऑफर करती है कि किस तरीके से कोई भी अगर सॉल्यूशन की ज़रूरत है तो वो यहाँ पे आपका दिया जाएगा। नेक्स्ट है कि एक बैलेंस होना चाहिए पावर जो भी स्टेट के बीच में है, और यहाँ पे अगर उनको डिज़ायरेबल है और अगर उनको पॉसिबल है तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशंस के थ्रू इक्वालिटी भी देना चाहिए। इससे क्या होगा कि अमेंडमेंट हो पाएगा जो भी यहाँ पे रेलिवेंट प्रोविजंस आपका दिया गया है, और यहाँ पे अगर सीट आपका जो है राज्यसभा में वैकेंट रह गया तो ओके। तो राज्यसभा में सीट जो आपका दिया जाता है वो आपके हर एक स्टेट के पॉपुलेशन के बेसिस पे दिया जाता है, तो ये चीज़ यहाँ पे कहा गया। 26 में कहा गया है कि जो आपका डिवोल्यूशन ऑफ पावर है यानी कि जो लोकल बॉडीज़ में जो पावर दिया गया है उसका स्कोप जो है वो यहाँ पे सेल्फ गवर्नमेंट के लिए है, तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनली करना चाहिए, डिफाइन करना चाहिए हमारे संविधान में। साथ ही कहा गया कि जितने भी फ्यूचर सेंट्रल लेजिस्लेशन है जिसमें कि स्टेट भी इन्वॉल्व है तो इनको यहाँ पे स्टेट को इन्वॉल्व करना चाहिए, और जितनी भी कॉस्ट शेयरिंग है उसको यहाँ पे RTE एक्ट के अंदर लाना चाहिए, राइट टू एजुकेशन के अंदर। नेक्स्ट कहा गया है कि जो भी रॉयल्टी रेट्स हैं मेजर मिनरल्स में उनको यहाँ पे रिवाइज करना चाहिए एटलीस्ट यहाँ पे हर एक 3 साल में बिना किसी देरी के। नेक्स्ट कहा जा रहा है जो करंट यहाँ पे सेलिंग है यानी कि प्रोफेशनल टैक्स को जो यहाँ पे सेलिंग है तो उसको कम्प्लीटली यहाँ पे आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसी के साथ करना चाहिए। नेक्स्ट है कि यहाँ पे जो भी आपका स्कोप है कि किस तरीके से रेवेन्यू जो है यहाँ पे टैक्स के साथ यहाँ पे बढ़ाया जाए, तो यहाँ पे आपका आर्टिकल 268 में मेंशन है, तो उसी के द्वारा इसको एग्जामिन करना चाहिए। साथ ही यहाँ पे एक ग्रेट अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए सारे फिस्कल लेजिस्लेशन को यहाँ पे एक एनुअल असेसमेंट लाना चाहिए जो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी हो, और सारे बॉडीज़ को यहाँ पे रिपोर्ट भी करना चाहिए जो कि यहाँ पे पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के हाउस में है। कंसीडरेशंस जो भी स्पेसिफाइड है टर्म्स ऑफ रेफरेंस में जो कि फाइनेंस कमीशन की है तो उनको भी यहाँ पे हैंडल करना चाहिए, और अच्छे से सेंटर और स्टेट के बीच में इसको हैंडल करना चाहिए। ओके, तो कुछ टर्म ऑफ रेफरेंस होते हैं जो कि फाइनेंस कमीशन से यहाँ पे देते हैं कि किस तरीके से टैक्सेस को लगाना है, हटाना है, तो ये सारी चीज़ें रहती है, तो इसको भी फाइनलाइज करना चाहिए। साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पे रिव्यू करनी चाहिए जितनी भी आज के डेट में सेस लगी है, सरचार्ज लगी है, जिससे कि यहाँ पे शेयर को भी कम किया जा सके। तो सेस क्या होता है, किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए लगता है, जैसे कि क्लीन एनर्जी सेस लगती है, एडुकेशन सेस लगती है, तो ये सब एडुकेशन के पर्पस से लगाया जाता है या इन्वायरमेंट के पर्पस से। वहीं अगर सरचार्ज की बात करें तो इसको टैक्स ऑन टैक्स कहते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा टैक्स आपको देना पड़ता है क्योंकि क्लोज लिंकेज देखने को मिलता है प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में। तो एक्सपर्ट कमेटी जो है वहाँ यहाँ मे बी अपॉइंट कर सकती है जिससे कि कोई भी डिस्टिंक्शंस अगर प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स में देखने को मिले, कोई भी इश्यूज देखने को मिले, तो वो उसको रिजॉल्व कर सके। तो ये प्लान और नॉन प्लान जो है हमारी प्लानिंग कमीशन्स में चलती थी, पर अब तो ये आपका सिस्टम ख़त्म हो गया है, तो इसको छोड़ दीजिए। 35 आते हैं
यहाँ पे एक बेटर कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए फाइनेंस कमीशन और प्लानिंग कमीशन के बीच में, बट अब प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग के साथ रिप्लेस कर दिया गया, तो अब आप लोग नीति आयोग को यहाँ पे जोड़ सकते हो। जो सिंक्रोनाइजेशन पीरियड है वो यहाँ पे फाइनेंस कमीशन के द्वारा यहाँ पे कवर्ड करना चाहिए, और 5 ईयर प्लान जो कि यहाँ पे कंसिडरेबल इम्प्रूव होनी चाहिए इस तरीके से कोऑर्डिनेशन के साथ। यानी कि जो 5 ईयर प्लान आता था आपका प्लानिंग कमीशन में, लेकिन अब नीति आयोग के अंदर आप लोग एजेंडा देखते हो 3 साल का एजेंडा है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि फाइनेंस कमीशन और जो नीति आयोग है उनके बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन करके जितनी भी चीज़ें हैं एजेंडा है उसको इम्प्रूव कर सके। नेक्स्ट है यहाँ पे जो फाइनेंस कमीशन डिविजन्स है वो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ है, तो इनको यहाँ पे कन्वर्ट करना चाहिए फुल फ्लेज्ड डिपार्टमेंट में, और एक परमानेंट सेक्रेटेरिएट होना चाहिए फाइनेंस कमीशन का। 37 है कि जो प्लानिंग कमीशन है उनके पास क्रूशियल रोल है करंट सिचुएशन को लेकर, जो कि नीति आयोग का आप कह सकते हो। इनकी जो रोल है वो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन के साथ चलना चाहिए, ना कि माइक्रो मैनेजिंग सेक्टोरल प्लान के साथ चलना चाहिए। साथ ही यहाँ पे स्टेप्स लेना चाहिए जिसके थ्रू हम लोग एक इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स कमीशन को आर्टिकल 307 के तहत यहाँ पे सेटअप कर सके, और साथ ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के हिसाब से जो इस कमीशन की डिसीजन है वो फाइनल होनी चाहिए, और सारे स्टेट में और यूनियन ऑफ इंडिया में ये बाइंडिंग होनी चाहिए। यानी कि जो भी रूल्स रेगुलेशंस दिया जाएगा उसको सारे स्टेट को और सेंटर को मानना होगा। तो ये जो रिपोर्ट है इस कमीशन की वो सारे स्टेक होल्डर्स के पास ये सर्कुलेट किया गया था, जैसे स्टेट गवर्नमेंट हो गए, यूटी के एडमिनिस्ट्रेटर्स हो गए, यूनियन मिनिस्टर्स हो गए, डिपार्टमेंट हो गए, साथ ही यहाँ पे आपके जो सारे लोग के पास जो है ये जो कमीशन है पूंजी कमीशन के रिकमेंडेशन को दिया गया था। जो कमेंट यहाँ पर रिसीव किया गया यूनियन मिनिस्टर, डिपार्टमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, तो वो यहाँ पे इंटर स्टेट काउंसिल के सेक्रेटेरिएट को एग्जामिन किया गया, और फिर उसके बाद जो है इसके कंसिडरेशन के लिए आगे देखने को यहाँ पर बनाया गया कि और भी देखा जाएगा जो भी यहाँ पर रिकमेंडेशन दिया गया था। तो ये मेन रिकमेंडेशन 38 है जिसमें कि आप याद रख सकते हो, एक दो और भी स्किप कर सकते हो जो कि प्लानिंग कमीशन वाला था, तो उसको नीति आयोग से जोड़ करके आप लोग याद रखिएगा। तो इतनी बेसिक इनकी रिकमेंडेशन है कि इस तरीके से होनी चाहिए। सारी रिकमेंडेशन बैठ के रटने की ज़रूरत नहीं है, आप एक दो बार पढ़ लोगे तो आपको खुद ध्यान में आ जाएगा कि सरकारिया कमीशन के द्वारा क्या क्या रिकमेंडेशन दी गई थी और पूंजी कमीशन के द्वारा क्या क्या रिकमेंडेशन दी गई थी। तो ऐसे ये सारी चीज़ों आप कहाँ पर इंप्लीमेंट कर सकते हो, तो जब आप आंसर राइटिंग लिखते हो किसी भी चीज़ को लेकर, तो आप लोग वहाँ पे इनपुट कर सकते हो। जैसे इमरजेंसी का अगर आप लोग कुछ भी लिख रहे हो, जैसे अभी आप लोग देख रहे हो कि फिर से यहाँ पे हमारे यहाँ महाराष्ट्र में जो है प्रेसिडेंट रूल लग गया, तो प्रेसिडेंट रूल आप लोग देखते हो कि हमारे कंट्री में कितना ज़्यादा लगता है, तो उसी के हिसाब से आप कह सकते हो कि यहाँ पे वे फॉरवर्ड में नीचे लिख कर आप लोग कह सकते हो कि पूंजी कमीशन के द्वारा जो रिकमेंडेशन दी गई थी कि इमरजेंसी शुड बी द लास्ट रिसॉर्ट, एकदम कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है तब यहाँ पर इमरजेंसी लगाना चाहिए। तो इस तरीके से आप लोग वहाँ पर यूज़ कर सकते हो आंसर राइटिंग में और पेपर नंबर 2 में, जो कि हमारी यूपीएससी की मेंस की पेपर होती है। ओके, तो इस तरीके से अपने इस तरीके की जो चीज़ें हैं ना उसको वहाँ पे आप लोग कर सकते हो। तो ये मैं आपको आइडिया दे रही हूँ कि यहाँ पे पढ़ने से क्या होगा ये सारी चीज़ों को। ओके, तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस दिमाग में बैठाना एक दो पॉइंट कि किस किस टॉपिक पर यहाँ पे पूंजी कमीशन बोले थे और किस किस टॉपिक पर आपके सरकारिया कमीशन बोले थे। ओके, कुछ आर्टिकल इससे रिलेटेड है लेकिन आपको आर्टिकल याद नहीं करनी है। सेंटर स्टेट रिलेशन से आपको कोई भी आर्टिकल ये सारी नहीं आती है, बस आपको फैक्ट्स पूछा जाता है जो कि आपको ध्यान में रखनी है। तो टोटल मुझे लगता है 6 पार्ट में ये डिवाइड हो चुकी है। मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग सारे 6 पार्ट को अच्छे से रिवीजन कर ले। फिनेंशियल रिलेशन कैसा होता है, लेजिस्लेटिव रिलेशन कैसा होता है, एग्जीक्यूटिव रिलेशन कैसा होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन कैसा होता है, हम लोग हर एक चीज़ को अच्छे से यहाँ पर डिस्कस करके चलें, और मैं पार्ट बाई पार्ट इसको डिवाइड करके रखी हूँ जिससे कि आप लोग बेटर इसको अंडरस्टैंड कर सको, और जब भी रिवीजन करना हो तो आप लोग बेटर इसको बार बार टॉपिक वाइज आप लोग रिवाइज कर सको। ओके, तो गाइस आज के लिए इतनी। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और फिर भी कोई डाउट कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। आप मिलते हैं कल मॉर्निंग में 4 बजे हम लोग, जिसमें कि हम लोग कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे इनसाइट आईएएस की। थैंक यू।